हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप 3 बेस्ट चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन इन इंडिया, जहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस 8000 रहने वाले। हाँ दोस्तों, 8000 के अंदर भी आप 5G स्मार्टफोन को बाय कर सकते हो। तो दोस्तों, आप अगर ढूंढ रहे हो बजट में एक बेस्ट 5G स्मार्टफोन, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो वीडियो को इन तक जरूर देखना, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट के इस लिस्ट की जो सबसे पहले डिवाइस है उसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये डिवाइस होने वाले लावा की तरफ से लावा ब्लेज 2 5G। तो एक एक करके इसकी सभी स्पेसिफिकेशन को जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलने वाला है प्रीमियम ग्लास बैक डिजाइन। तो लुक वाइज ये डिवाइस काफी प्रीमियम सा होने वाला है, और जो कैमरा मॉड्यूल है ना, वो भी काफी यूनिक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अदर फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.5 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले, जिसकी रिफ्रेश रेट 90Hz की होने वाला है, जो काफी अच्छी बात है। और इसके साथ साथ बात करें कैमरा सेटअप की, तो रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा आपको 50MP का मिलेगा, और सेकेंड कैमरा 2MP का मैक्रो मिलेगा, और उसके साथ साथ 0.3MP का एक लेंस भी मिल जाएगा। और दोस्तों, आप मेन कैमरा से 2K रेजोल्यूशन तक वीडियो शूट कर सकते हो, जो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों, बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 8MP का सेल्फी कैमरा। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 2.2GHz की MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर, जो 7nm पे बेस है। और दोस्तों, एक 5G प्रोसेसर है, तो यहाँ पे आपको 8 5G बैंड देखने को मिलेगा। तो इस प्राइस पॉइंट पे 8 5G बैंड काफी अच्छी बात है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 4GB प्लस 3GB रैम मिलेगा, जब 3GB वर्चुअल रैम होगा। उसके साथ साथ UFS 2.2 टाइप के 128GB का रोम मिल जाएगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी मिल जाएगा। अदर्स कुछ यूनिक फीचर के बारे में बात करें, तो इस मोबाइल से आप YouTube को बैकग्राउंड पे चला सकते हो, जो काफी अच्छी बात है। और उसके साथ साथ जो एनोनमस कॉल रिकॉर्डिंग है, वो भी आप यूज कर सकते हो। ये दो फीचर मुझे पर्सनली काफी अच्छे लगे। तो दोस्तों, ये तो होगा इसकी सभी फीचर। तो आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो इसकी जो प्राइस वो 9300 है, पर सेल पे 8500 के आसपास आ जाता है। ठीक है, तो 8500 पे 5G मोबाइल काफी अच्छी बात है। मार्केट में इस प्राइस पॉइंट पे अदर कोई भी डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों, ये डिवाइस आता है पोको की तरफ से, पोको M4 5G, जो एक बजट 5G स्मार्टफोन है। तो सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो कैमरा मॉडल के आसपास आपको ब्लैक कलर की एरिया देखने को मिलेगा, जैसे हर पोको की डिवाइस पे मिलता है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको पोको की ब्रांडिंग भी देखने को मिलेगा। वहीं पे इस डिवाइस की वेट 200 ग्राम होने वाले, डिवाइस थोड़ा सा हैवी होगा। डिवाइस की फ्रेम आपको प्लास्टिक का मिलेगा, बैक भी प्लास्टिक का होने वाला है। और दोस्तों, इस डिवाइस पे आपको डुअल सिम स्लॉट देखने को मिलेगा। वहीं पे बात करें इस डिवाइस की डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.58 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले, जो काफी अच्छी बात है। इस प्राइस पॉइंट पे आपको फुल HD+ डिस्प्ले मिल जाता है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलने वाले 90Hz के रिफ्रेश रेट, और दोस्तों 240Hz की टच सैम्पलिंग रेट भी मिलेगा, जो प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छी है। और दोस्तों, इस डिस्प्ले पे आपको मिलेगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन, जो भी काफी अच्छी बात है। डिस्प्ले पे आपको मिलने वाला 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन 20:9 रेशो के साथ। ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी है। तो दोस्तों, ये तो होगा इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा के बारे में। इसकी कैमरा भी काफी अच्छा है। रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50MP का होने वाला है, जिससे आप 1080 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 2MP का एक डेप्थ कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। वहीं पे बात करें फोन कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 8MP का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल वीडियो और फोटो की क्वालिटी डिसेंट है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। वहीं पे बात करें इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला MediaTek Dimensity 700 5G चिपसेट, जो 7nm पे बेस है, और ये एक 5G चिपसेट है। तो दोस्तों, डिवाइस 5G होने वाला है। और दोस्तों, इस डिवाइस पे आपको 7 5G बैंड भी देखने को मिलेगा, जो प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे लगता है काफी अच्छी बात है। बात किया जाए रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको 2 ब्रांड मिलेगा, 4GB 64GB 6GB 128GB। बात किया जाए इस डिवाइस की बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा विद 18W फास्ट चार्जिंग। और एक इस डिवाइस की काफी अच्छी बात है, ये डिवाइस आने वाले IP52 की रेटिंग के साथ, जिसकी मदद से ये डिवाइस वाटर और डस्ट प्रूफ भी होने वाला है।
तो दोस्तों इन दो का इसके सभी फीचर तो आप बात कर रहे थे इसके प्राइस के बारे में, तो इसकी जो 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस करंट टाइम पे 8,999 मतलब 9,000 है, पर यहाँ पे आपको कोई भी सेल आता है तो 500 या फिर 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाते हैं। डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस वो 8,000 या फिर 8,500 तक आ जाता है, तो इस प्राइस पॉइंट में काफी अच्छा सा एक डिवाइस है, तो आप अगर लेना चाहते हो तो जरूर ले सकते हो। ये आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी A14। एक एक करके इसकी सभी फीचर को जान लेते, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.6 इंचीज का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। वहीं पे बात करें कैमरा की तो आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप मेन कैमरा से 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 13 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा, जहाँ से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों बात करें इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला Exynos 1330 5G चिपसेट, जो 5nm पे बेस्ड है, एक काफी पावरफुल सा एक चिपसेट है। और दोस्तों रैम रोम पे यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट पे 4GB रैम 128GB रोम मिलेगा, अदर और एक वेरिएंट है जब आपको 6GB रैम 128GB रोम मिल जाएगा। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6000mAh का लार्ज बैटरी, जहाँ पे आपको 25W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा, पर आपको इस मोबाइल के साथ एडाप्टर नहीं मिलेगा, सिर्फ डाटा केबल ही मिलेगा, जो मुझे थोड़ा सा बेकार लगता है सैमसंग की मोबाइल के साथ। और दोस्तों इस डिवाइस में सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की जो सपोर्ट है वो भी दिया गया है। वहीं पे बात करें OS की तो यहाँ पे आपको Android 13 रन मिलेगा, उसके साथ साथ UI Core 5.0 वर्जन होगा इसकी OS का। तो दोस्तों ये तो गाइस इसकी सभी फीचर, आप बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलेगा, जहाँ पे बेस वेरिएंट 4GB 128GB का करंट टाइम पे प्राइस 8,999 मतलब 9,000 है, वहाँ पे आपको 500 से लेकर 1,000 तक डिस्काउंट मिलने वाला है कोई भी सेल या फिर नॉर्मल टाइम। तो डिस्काउंट की बात इसकी जो प्राइस वो 8,000 के आसपास आ जाता है, तो सैमसंग की इस प्राइस पॉइंट पे ये डिवाइस काफी शानदार है, आप अगर लेना चाहते हो तो जरूर ले सकते हो। वहीं पे आधा जो वेरिएंट है 6GB 128GB है, उसकी करंट टाइम पे प्राइस 9,500 है, वहाँ पे भी आपको सेम डिस्काउंट मिल जाता है, डिस्काउंट के बाद उसकी भी प्राइस 8,500 के आसपास आ जाता है। तो दोस्तों बजट पे आप अगर एक सैमसंग की 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो इस डिवाइस के साथ आप जरूर जा सकते हो, प्राइस के हिसाब से काफी शानदार सब फीचर यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए।